तीन दिन बाद वो कब्र खाली थी। इन सब के बावजूद तीन दिन बाद वो पत्थर जो कि कब्र को सील बंद कर रहा था, कब्र से कुछ दूर एक ढलान पर पाया गया। यीशु का शरीर वहां नहीं था, कब्र में केवल चादर पड़ी थी बिना शव के। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि यीशु के आलोचक और अनुयायी दोनों मानते हैं कि कब्र खाली थी और उनका शरीर गायब था। शुरुआत में इस स्पष्टीकरण को परिचालित किया जा रहा था कि जब पहरेदार सो रहे थे तब उनके शिष्यों ने उनका शरीर चुरा लिया था, पर यह तथ्यहीन लगता है क्योंकि रोमन सेना के प्रशिक्षित पहरेदारों का इस प्रकार पहरे के समय सो जाना मृत्युदंड के अपराध से कम नहीं था। इसके अलावा प्रत्येक शिष्य को अकेला करके और विभिन्न भौगोलिक स्थानों में यातना दी गई और शहीद किया गया, इस दावे के लिए कि यीशु जीवित थे और मरे हुओं में से जी उठे थे। पर वे अपने दावों से नहीं पलते। कोई भी इंसान उस सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार होता है जिसको वह सच मानता है, चाहे वह वास्तव में झूठ हो। परंतु वह उस बात के लिए नहीं मरना चाहता जो वह जानता है कि झूठ है। यदि कोई ऐसा समय है जब एक इंसान सत्य बोलता है तो वह उसकी मृत्यु की निकटता के समय पर होता है। हर शिष्य अंत तक यीशु के जी उठने का प्रचार करता रहा। हो सकता है कि प्राधिकारियों ने यीशु के शरीर को वहां से हटा दिया हो, पर यह भी एक कमजोर संभावना है। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया ताकि वे लोगों को उन पर विश्वास करने से रोक सके। अगर उनके पास यीशु का शरीर शव होता तो वे उसे यरूशलेम के नगर में उसका परेड करते। एक ही बारी में वे सफलतापूर्वक मसीही धर्म को दबाने में कामयाब हो जाते। कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह इस बात की महान गवाही देता है कि उनके पास यीशु का मृत शरीर नहीं था। एक दूसरा मत यह है कि महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले यीशु की खाली कब्र को देखा, व्याकुल और दुख से अभिभूत होकर सुबह के धुंधलेपन में अपना रास्ता भूलकर गलत कब्र में चली गई हो। अपनी पीड़ा में उन्होंने कल्पना कर ली कि यीशु पुनः जीवित हो गए हैं क्योंकि कब्र खाली थी। पर इस बात में भी संदेह है क्योंकि यदि औरतें गलत कब्र में चली गईं, तो महायाजकों और धर्म के दूसरे दुश्मनों ने सही कब्र पर जाकर यीशु का शरीर क्यों नहीं दिखाया। एक अन्य संभावना कुछ लोगों के अनुसार बेहोशी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यीशु वास्तव में मरे ही नहीं, उन्हें भूल से मृत माना गया था और वास्तव में थकान, दर्द और खून की कमी के कारण वह बेहोश हो गए थे और कब्र में ठंडक होने की वजह से उनमें चेतना लौट आई। इस हिसाब से आपको इस तथ्य को अनदेखा करना होगा कि उसके पंजे को बर्छे से बेधा गया था ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि वह मर चुका था। कोई भी इंसान उस सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार होता है जिसको वह सच मानता है, चाहे वह वास्तव में झूठ हो। परंतु वह उस बात के लिए नहीं मरना चाहता जो वह जानता है कि झूठ है। लेकिन आइए हम एक क्षण के लिए यह मान ले कि यीशु को जिंदा गाड़ा गया और वह बेहोश थे। तो क्या यह विश्वास करना संभव है कि तीन दिन तक वह बिना भोजन या पानी के या किसी भी प्रकार की देखभाल के एक नम कब्र में जीवित रहे होंगे? क्या उनमें इतनी ताकत थी कि अपने आप को कब्र के कपड़े से बाहर निकाले, भारी पत्थर को कब्र के मुंह से हटाए, रोमन पहरेदारों पर विजय पाए और मीलों तक उन पैरों पर चलकर जाए जिनको की कीलों से बेधा गया था? इसका कोई तुक नहीं बनता। तो भी केवल खाली कब्र ने अनुयायियों को यह विश्वास नहीं दिलाया कि यीशु वास्तव में परमेश्वर थे। केवल खाली कब्र ही नहीं, केवल खाली कब्र ने उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाया कि यीशु वास्तव में मरे हुओं में से जीवित हुए, वह जीवित थे और वह परमेश्वर थे। इन सब बातों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया। यीशु कई बार दिखाई दिए जीवित हार मास के व्यक्ति के रूप में और उन्होंने उनके साथ खाना खाया, उनसे बातें की, विभिन्न स्थानों, विभिन्न समय, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उन्होंने बात की। लूका सुसमाचार के लेखकों में से एक ने यीशु के बारे में कहा, उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। वह 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा।